खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश नौरीन निगम ने दुष्कर्म कर हत्या के मामले में एक आरोपी को धारा 302 भारतीय दंड विधान में मृत्यु दंड, धारा 376 भारतीय दंड विधान में आजीवन कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड से एवं धारा 450 भारतीय दंड विधान में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 200 रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया। 21 फरवरी 2017 को रात्रि के 8 बजे से दिनांक 22 फरवरी 2017 की सुबह 5 बजे के मध्य नारायण बाग छतरपुर में रहने वाली मृतिका के मकान में घुसकर 75 वर्षीय महिला के साथ आरोपी रीबू उर्फ अकबर खान पुत्र नन्नू उर्फ आजाद खान निवासी नया मोहल्ला ने मृतिका के साथ दुष्कर्म किया, मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाकर उसकी मृत्यु कर हत्या भी कर दी। फरियादी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सिविल लाइन में की गई। पुलिस के द्वारा मामले में छानबीन की गई और इसके पश्चात मामला चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश नौरीन निगम की न्यायालय में आया। मामले में शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी एस के चतुर्वेदी ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने का तर्क रखा। मामले का अवलोकन कर न्यायाधीश नौरीन निगम ने पाया कि उक्त मामला दुर्लभ एवं जघन्य प्रकृति का होने के कारण आरोपी रीबू उर्फ अकबर खान पुत्र नन्नू उर्फ आजाद खान उम्र 25 वर्ष निवासी नया मोहल्ला को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में मृत्यु दंड एवं धारा 376 में आजीवन कारावास एवं 5,000 के अर्थदंड से और धारा 450 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 200 के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया गया। आज चतुर्थ पर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय से आरोपी को फांसी से मृत्यु दंड की सजा दी गई है। यह प्रकरण फरवरी 2017 का है। आरोपी एक 75 वर्षीय वृद्ध महिला के घर के अंदर घुसकर रात में उसके साथ रेप किया था और उसकी बुरी तरह से मार मार कर हत्या कर दी। उस पर से आज निर्णय हुआ, माननीय न्यायालय द्वारा फांसी की सजा दी गई। खबर समय जगत के लिए वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव संभागीय ब्यूरो चीफ। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।